मैं अगर आपको अभी बोलने लगूं कि डैमेज दो अंदर आओ तेजिकल तो आपके मन में एक इंसान का चेहरा काफी क्लियरली आ रहा होगा और वो चेहरा है हमारे राज स्नैक्स वर्मा का। लेकिन ये पहचान बनने तक का सफर कितने को बताए, उसी सफर से हमें वाकिफ कराने के लिए लोगों लाया था अपना एक ओरिजिनल सीरीज ड्रिंक करो स्ट्रिंक करो फीचरिंग स्नैक्स, और उसी सफर से हम क्या सीखते हैं यही दिखाना इस वीडियो का मकसद है। People often say that hustle is same for everyone. And yes, we agree on that statement, but the definition of hustle varies from person to person. And what if we say ki snacks ka initial stages ka hustle meant that working for more than 12 hours in a day and repeat that for next 3 years? Scary, right? Well, that was what snacks had to do. तो मैं सूरत गया था डायमंड का काम सीखने। सूरत में मैंने 3 साल गुजरात में एक्चुअली गया था मैं। फर्स्ट में नवसारी गया था। नवसारी एक छोटा सिटी है। ऐसे ट्रेनों में धक्के खाता था, सूरत नवसारी आगे पीछे करता था रोज। मशीनें साफ कर रहा था, पूरा लेबर वर्क कर रहा था लिटरली। माँ से उसने बहुत स्ट्रगल किया 3-4 साल। तो मैं मॉम डैड को बोला कि ये चेंज करते हैं, मैं 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ वहाँ पे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम सीखूँ कुछ कर पाऊँ। फिर मैं सूरत शिफ्ट हुआ। 1.5 साल मैं नवसारी में रह गया, 1.5 साल सूरत शिफ्ट हुआ। मैं मॉर्निंग 7 बजे फैक्ट्री में जाता था, 8-9 बजे तक फैक्ट्री में रहता था, आके वही गेम वेम खेलो सो जाओ वैसा था। मेटाफोरिकली डायमंड्स के साथ वर्क करते करते स्नैक्स हमें ये सिखा गए कि चाहे प्रोसेस कितना भी हार्ड हो, लेकिन एक ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्ट के लिए पहले मेहनत करना काफी जरूरी है। जब हम मैनिफेस्टेशन के शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं रहता है कि एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए ख्याल रख के हर रोज चलते जाओ। उस शब्द का मतलब ये होता है कि उस ब्यूटीफुल फ्यूचर के ख्याल के लिए आप दिन रात मेहनत करो और उस ख्वाब को हकीकत में बदलो, जिस तरह स्नैक्स ने किया था। मजाक में हम लोग ने रजिस्टर कर दिया टूर्नामेंट के लिए, और मस्ती में था, वो लोग ऑफकोर्स सीरियस थे। मैं मस्ती में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड मेरे को पता चला कि दिल्ली जाना पड़ेगा टूर्नामेंट में जाके, वहाँ पे एक स्टेडियम में खेलना पड़ेगा, आपको होटल का स्टे मिलेगा। ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी वो टाइम पे। तो एकदम से जाना होटल में खेलना, तुमको स्टे वगैरह मिलेगा, फ्लाइट में ट्रैवल करना है, तो वो मेरे लिए अलग ही फीलिंग थी। और $10,000 जीते वो टाइम पे। तो मैं जब कॉल करके बोला मम्मी को बोला बहन को बोला कि मैं $10,000 जीता हूँ, पर प्लेयर इतना 1,00,000+ मिलेगा ही मिनिमम। मेरी मम्मी को लगा ऐसे कुछ पैसे ऐसे कैसे 1,00,000 रुपये जीत गए, ऐसा था। तो वहाँ से फिर थोड़ा गेमिंग का मैं मॉम डैड को बोला था कि अभी 1-2 घंटे मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, 1-2 घंटे और इंक्रीज करता हूँ, मैं शेड्यूल सब मैनेज कर लूँगा। सुबह उठ के ट्रेन पकड़ो 7 बजे उठ के, मैं तब जिम भी करता था, 5 बजे उठो जिम जाओ, 6-6:30 बजे तक वापस आओ, 7 बजे की ट्रेन पकड़ो एंड 9 बजे तक फैक्ट्री पे रहो, ट्रेन पकड़ के वापस घर को आओ, 1-2 घंटा गेम खेल लो। मैं वो 1-2 घंटे को और एक्सटेंड किया, मैं 10 से 1-2 बजे तक खेलता था, फिर सोता था, 3-4 घंटे सो के वापस उठा। पिक्चर समझ में आ गई थी मेरे को क्या करना है। एंड दिस परफेक्टली शोज दैट हाउ वी नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव आवर मैनिफेस्टेड गोल्स। लोग तो एक दूसरे में बहुत सारी कमियां ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन हमारा काम है उन सब चीजों को इग्नोर करके अपने कमियों को कामियों में बदलना। इजी लैंग्वेज में बोले तो आपदाओं को अवसर में बदलना। वैसे करने से जिस तरीके का लक्ष्य हम पा सकते हैं ये स्नैक्स ने हमें दिखाया था। स्टार्टिंग में जब मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था तो मेरे मन में एक तो डर था कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ट्रोल होता था मेरे स्लैंग को लेके। जब मैं वीडियोस में डालता था मेरे 3-4 स्लैंग है उसको लेके मैं ट्रोल होता था, बट जब मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद आई। जिस तरीके से मैं एंटरटेन कर रहा था उन लोगों को एक वाइब आ रहा था सारे के सारे ऑडियंस को। वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग दे रहा था मेरे को। लोगों पे जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे को देखने आते हैं वो लोग जानते होंगे, जो रेगुलर व्यूअर्स है ना, मैं जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता गेम से रिलेटेड, जो मेरे को यूजुअली देखते वीडियोस में या यूट्यूब की स्ट्रीम पे, उन लोगों से गेम तक का मतलब इंटरेक्शन होता है मेरे से। इधर जब लोगों पे जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ मैं पूरा स्ट्रेस बस्टर रहता है, मेरे लिए रिलीफ स्ट्रीम रहता है। एवरीवन इज यूनिक इन देयर ओन वे एंड व्हेन यू यूज देयर ट्रेड्स राइट दे कैन क्रिएट मैजिक। स्नैक्स का जर्नी यही एग्जांपल है उसी चीज का। वी जनरली टेंड टू इग्नोर द जर्नी ऑफ द क्रिएटर्स वी सी ऑन आवर स्क्रीन्स एंड दिस लुक ओरिजिनल शेयर्स अ ग्लिम्स ऑफ द जर्नी ऑफ व्हाट दीस क्रिएटर्स हैव गॉन थ्रू एंड व्हिच डेफिनेटली इंस्पायर्स मोर लव टुवर्ड्स देम। ये था आपके लिए टुडेज डोज ऑफ मोटिवेशन, एंड इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ देन स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम्स, एंड इफ यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम योर डेली हसल देन डाउनलोड लोको नाउ एंड वॉच योर फेवरेट क्रिएटर्स एट वन प्लेस। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ड्रीमिंग कीप गेमिंग एंड वी आर गोइंग AFK।